विदेशों में खाद्य तेलों के भाव टूटने से घरेलू बाजारों में भी गिरावट देखने को मिल रही है और दूसरा विदेशी बाजारों में आई गिरावट पामोलिन तेल की नई और पहले के मुकाबले कहीं सस्ती खेप आने के कारण भी बाजारों में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही मलेशियाई एक्सचेंज में 3.5% की गिरावट आई है जबकि शिकागो एक्सचेंज लगभग 1% नीचे है। मिली जानकारी के मुताबिक सीपीओ और पामोलिन तेल की नई खेप की आवक शुरू होने से सभी तेल तिलहन कीमतों पर दबाव बन चुका है। पामोलिन की नई खेप की कीमत इसके मौजूदा भाव से 10 से 12 रुपए किलो सस्ती है। पामोलिन का आयात भाव 100 रुपए किलो बैठता है जबकि सोयाबीन जिगम का आयात भाव लगभग 116 रुपए किलो बैठता है। सोयाबीन के आयात में नुकसान है। बैंकों के कर्ज का भुगतान करने के लिए आयातकों द्वारा मंगाए गए पहले के सौदों को काट काट कर सस्ते में बेचने की मजबूरी आ रही है। जानकारों का कहना है कि विदेशों में भाव टूटने के बाद सरकार को भी इन तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य में कमी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। किसानों और तेल उद्योगों को विदेशी तेलों से नुकसान हो रहा है, ऐसे में कम से कम वैश्विक कीमत में आई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।